Hey everyone, good morning. This is Paulami and welcome to my channel Bifocal Zindagi. Hope you all are doing well. So, सुबह सुबह एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो रही हूँ. और अभी मैं सुबह का टाइम है, मोनोजीत ऑफिस चला गया है तो मैं अभी जो बेडरूम है उसको ठीक कर रही हूँ. बेड वगैरह आज सुबह नहीं ठीक किया था, टाइम नहीं मिला था, तो अभी जाके टाइम मिला है तो पहले बेड को अच्छे से ठीक कर लूँगी. बेड देखना, अगर क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे तो घर ऑर्गेनाइज दिखता है, घर क्लीन दिखता है. इसलिए सबसे पहले मैं बेड को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ. इधर सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे तो वो सब धुलने के लिए डाल दिया है मैंने. जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैंने सोचा क्यों ना लिविंग रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लूं. और रात में तो ये सब होता नहीं है तो अच्छे से थोड़ा झाड़ के अच्छे से सब कुछ और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी. लिविंग रूम वगैरह क्लीन रहता है ना तो अच्छा लगता है घर को देखने में भी. और थोड़ा सा डस्टिंग भी मैंने साथ में कर लिया ताकि अच्छे से ये ज़्यादा गंदा होने से पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे डस्टिंग कर लेने से ना बहुत ज़्यादा कभी भी फर्नीचर वगैरह गंदा नहीं होता है. तो बस सब कुछ झाड़ झूड़ के और इस तरफ मैं आ गई. ये टीवी कैबिनेट वगैरह, शू रैक, ये सब भी मैं थोड़ा साफ कर लूंगी लगे हाथ. मैं हमेशा जो भी ये क्लीनिंग वगैरह रहता है ना, डस्टिंग वगैरह, ये सब सुबह तक के टाइम ही करने का पसंद करती हूँ. उस टाइम पे फ्री टाइम भी रहता है. बाद में ना खाना वाना बनाने चली जाती हूँ ना तो उसके बाद इतना टायर्ड लगता है ना कि ये सब करने का मन नहीं करता है. इसलिए ये सुबह सुबह के टाइम में एकदम फ्रेश फ्रेश एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहता है तो उस टाइम पर मैं सारा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ. और ये देखिए मेरा लिविंग रूम एकदम साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है. देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिलता है ऐसे क्लीन घर हो तो. और इस तरफ जितने भी कपड़े मैंने धुलने के लिए मशीन में डाले थे सारे धुल गए हैं अच्छे से. तो अभी मैं एक एक करके सबको बाहर दे रही हूँ ताकि सूख जाए अच्छे से, टांग देंगी. और इस टाइम पे ना सुबह सुबह ऐसे डाल देने से ना कपड़े दोपहर तक आराम से सूख जाते हैं. उसके बाद शाम तक मैं फोल्ड वोल्ड करके आराम से रख देती हूँ. ये सब काम ना मैं मतलब अकेले ही करती हूँ ना, कोई तो हेल्प करने वाला है नहीं, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके ये सब काम निपटा लेती हूँ. घर का सारा काम करीब करीब हो गया है, सिर्फ लंच बनाना बाकी है. तो इस टाइम पे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं थोड़ा रेडी हो रही हूँ, थोड़ा बाहर जाऊंगी, कुछ काम है इसलिए. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, हो गई हूँ बल्कि, और बज रहा है 9. तो 9 बजे मैं रेडी होके थोड़ा निकल रही हूँ. आज मुझे थोड़ा पोस्ट ऑफिस जाना है, कुछ काम है, मोनोजीत का काम है तो वो मैं करने जा रही हूँ क्योंकि उसका तो ऑफिस है. वीकडेज में उसको छुट्टी नहीं मिलता और वीकेंड्स में तो सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, ये सब में बंद रहता है, होता नहीं, हो पाता नहीं है. तो इसलिए मैं जा रही हूँ और सुबह सुबह जा रही हूँ ताकि ज़्यादा लाइन ना पड़े और मेरा काम जल्दी से हो जाए. इसलिए सुबह से बहुत काम कर चुकी हूँ घर का, अभी आके सिर्फ लंच वंच बनाना है, वही सब. और ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया है, देखती हूँ आके मैं भी चाय बिस्किट ले लूँगी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है. इतना गर्मी है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. तो बस अभी रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ, तो आके फिर मिलती हूँ आप लोगों से. अभी जल्दी जल्दी से घर जाती हूँ और जाके फिर खाना वाना भी बनाना है, 10 बज चुका है.
एक घंटे के करीब हो गया है। आने के बाद फ्रेश हुई, उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद थोड़ी देर बैठी हुई थी, अभी भी बैठी हुई हूँ। अभी जाऊँगी लंच बनाने के लिए, तो लंच में आज सोच रही हूँ एग करी बनाऊँगी। तो मनोजित बोल रहा था ऑमलेट बना के, जो एग करी होता है वो वाला बनाने के लिए, तो वही बनाऊँगी। और कुछ भी बनाने का मन था लेकिन अभी मन कर रहा है और कुछ ना बनाऊँ, तो बस एग करी बना दूँगी। मेरा दोपहर का भी उसी से हो ही जाएगा और रात में देखूँगी, साथ में कुछ एक कर दूँगी उसके लिए, मनोजित के लिए। अभी ना इतना गर्मी लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, सिर्फ ठंडा पानी ये सब पीने का मन करता है और ना किचन में जाने का मन कर रहा है, ना ही कुछ बनाने का मन कर रहा है। मतलब ऐसा हालत हो गया है ना, अभी तो लग रहा है सिर्फ कैसे करके बारिश आए और फिर जाके मुझे काम करने में मन लगेगा। तो चलिए, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चली जाती हूँ किचन में और जल्दी से जो लंच बनाना है वो बना लेती हूँ। आज एग का ऑमलेट बना के एग करी बना रही हूँ। मनोजीत बोल के गया था कि यही बनाऊँ, तो सिर्फ यही एक करी मैं बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बना रही हूँ। आज गर्मी है बहुत तो मन भी नहीं कर रहा है उतना कुछ खाना वाना बनाने का। गाइस, मैं आप लोगों से डायरेक्ट आज शाम में मिल रही हूँ, दोपहर में, और कुछ मैंने शूट नहीं किया था तो इसलिए। तो अभी खाना वाना खाने के बाद ना थोड़ी देर में सोई थी और उसके बाद बस अभी उठी हूँ। थोड़ा पेट में दर्द कर रहा था इसलिए सोचा थोड़ा सो जाती हूँ, अच्छा लगेगा मे बी। तो सो के अभी जस्ट कुछ देर पहले ही उठी थी, तो अभी बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कल क्या हुआ, शाम को ना मनोजीत जब ऑफिस से आ गया था, उसके बाद हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और कुछ मैं शायद चाय वाय बना रही थी या कुछ, तो अचानक से बेल बजा तो मैंने दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोलने के बाद देखती हूँ डिलीवरी बॉय है, एक पार्सल आया है मेरे लिए। तो मैं सोच रही थी मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, कहाँ से पार्सल आ गया, तो देखा कि हाँ मेरे नाम पे ही है। तो पार्सल वाला बोल रहा था कि आपका ये आप रख लो। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, रखना तो है ही, तो देखती हूँ एक छोटा सा बॉक्स आया है पार्सल में, तो फिर मैंने रिसीव किया। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि है क्या यार, किसने क्या भेजा होगा। तो फिर मैंने खोला, रुकिए मैं आपको पहले जो चीज़ है वो दिखाती हूँ। तो ये है वो बॉक्स और इस पे देखिए ये है एक सुंदर सा मंगलसूत्र, उसके साथ इयररिंग्स भी है। तो मुझे देख के तो इतना अच्छा लगा ना, पर मैं सोचने लगी कि कौन होगा भाई जो मुझे ये भेजा होगा, क्योंकि कौन ये ज्वेलरी भेज सकता है, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मनोजीत को पूछा कि तुमने क्या भेजा है क्या, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैं सोच रही थी, बाद में पता चला कि मेरे जो भाई की वाइफ है ना, मेरी भाभी, उन्होंने मुझे ये भेजा। तो शाम को मैंने पूछा तो फिर वो बोल रही है कि आप मुझे मिला कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ मिला, तो बोला मैंने ही भेजा था। और इतना अच्छा लगा मुझे, इतना सुंदर गिफ्ट उसने मुझे सरप्राइज दिया, भेजा मेरे लिए। देखिए गिफ्ट किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, और ऐसे कोई बिना बताए अगर आपको सरप्राइज दे तो उसका तो बात ही अलग होता है। और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आया है, बहुत खूबसूरत है, मैंने एक बार ट्राई भी किया था। नेक्स्ट किसी दिन कहीं बाहर जाऊंगी पहनी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो वही है, मुझे कितना अच्छा लग रहा था ना कि उसने मुझे मेरे लिए भेजा इतना प्यार से, तो वही मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अभी बैठी हुई हूँ, कुछ देर में मनोजीत घर आएगा, और बाहर तो अभी भी धूप है। मनोजीत आ जा रहा है घर इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही, वो आएगा तो उसको चाय वाय दे के उसके बाद देखती हूँ बाहर निकल सकती हूँ, थोड़ा वॉक करने जाऊँगी। अच्छा लगता है शाम में मुझे वॉक करना और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो वही है, अभी बस बैठी हुई हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को इस
अच्छे से नोट में एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप बहुत कोई चैनल देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो पर कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करना यार, अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि बूस्टिंग मिलता है और एक अप्रिसिएशन होता है ऐसा कि हाँ आगे चल के और अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाओ। इनफैक्ट आप सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ, मैं वैसे बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड देखते रहिए बाइकों की जिंदगी।